नमन कहाँ तक हो गया? यहां तक चले जाते तो आपने किया। यहाँ तक सबका हो गया? अनिरुद्ध, यस हाँ सर। इस अनिरुद्ध इस इंटरवल पे माइनस इनफिनिटी से माइनस टू पे एफ डैश एक्स का साइन कैसा होगा बताओ। सर -3 ले लो तो। हाँ माइनस थ्री लेके यहां पर डालो, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव यस आ नेगेटिव, रहा पॉजिटिव आ रहे हैं सर, है। हाँ नेगेटिव आएगा। कैसे? हाँ माइनस सिक्स इंटू माइनस वन इंटू माइनस टू आ रहा है, नेगेटिव आएगा। यानी बताओ आपका पॉजिटिव क्यों आ रहा है? अच्छा, मैंने लाइक x² + 3x + 2 में डाला ऐसे। कहीं भी डालो वैसे तो, बट यहाँ डाल, यहाँ की कैलकुलेशन सबसे इजी होगी जहाँ पर मैंने डाला है। ऐसे नहीं किया, समझ क्या बता। आ अब गया इसके मेरा बीच नेक्स्ट। का नमन, इसके बीच में बताओ, माइनस टू से माइनस वन के बीच में। तो -2 से -1 के बीच में, माइनस वन पॉइंट फाइव ले लो, यस सर। इसके बीच का माइनस वन पॉइंट फाइव ले लो, डालो यहाँ पर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके बीच में चेक करो, माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन के बीच में चेक करो, जैसे कि जीरो सही ले तरह लो, अगर सर नेगेटिव आएगा यहाँ पर। जीरो ले लिया तो यहाँ क्या आएगा? -6 × 2 × 1 रहेगा तो सर बीच वाले में नेगेटिव आ रहा है। मेरा बीच पॉजिटिव आया। मेरा भी पॉजिटिव है। कार्तिक के चेक करो अपना, अच्छा माइनस वन आया पॉइंट था। डाल के चेक करो। ठीक है, अगर ये साइन किसी को नहीं समझ आए तो बताओ। फर्स्ट इंटरवल हमारा क्या है, लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करें तो देखो, इन दो इंटरवल्स के माइनस इनफिनिटी से माइनस टू एंड माइनस वन से इन्फिनिटी, एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन करके लिख देंगे, यूनियन माइनस वन टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन माइनस वन से इन्फिनिटी। एफ डैश एक्स क्या है? नेगेटिव है, लेस देन जीरो है। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या है? लेस देन जीरो। तो इस इंटरवल पे फंक्शन कैसा होगा? एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हो इस इंटरवल पे फंक्शन कैसा होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और दूसरा इंटरवल क्या बचा? माइनस टू से माइनस वन, माइनस टू से
माइनस टू से माइनस वन, एफ डेस एक्स क्या है इस इंटरवल पे, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव, तो फिर फंक्शन कैसा होगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, समझ गए ऐसे कर? यस सर। सिक्स क्वेश्चन का ई पार्ट देखो, एफ एक्स क्या है, यस करो डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट लगाओ इस पर, डिफरेंशिएट करके दिखाओ, डिफरेंशिएट करके दिखाओ, प्रोडक्ट लगेगा, ये एज इट इज रहा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री इंटू दिस प्लस अब एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे ये सब कॉमन आ जाएगा, बल्कि x प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर भी कॉमन आएगा, तो बाकी क्या बचेगा, x प्लस वन होल स्क्वायर कॉमन चला गया तो यहाँ पर x प्लस वन बचेगा, थ्री कॉमन हो गया, x माइनस थ्री होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ से x माइनस थ्री, x माइनस थ्री कॉमन निकल गया होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस थ्री बचेगा, थ्री इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, दिस इज टू एक्स माइनस टू, टू भी यहां से कॉमन ले लो तो यहां बचेगा एक्स माइनस वन, करेक्ट, सो वो नेवर माइंड। बताओ, नहीं मुझे लगा हम x प्लस वन को क्यूब कर सकते बट x माइनस वन तो नहीं कर सकते, ठीक है पुट करेंगे इसको जीरो, क्या आएगा, यहाँ से माइनस वन, इसको जीरो पुट करोगे तो माइनस वन आएगा, इसको जीरो पुट करोगे तो एक्स इक्वल टू थ्री आएगा, और इसको जीरो पुट करोगे तो एक्स इक्वल टू वन आएगा, थ्री क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, माइनस वन, वन एंड थ्री, नंबर लाइन पे बना लो इनको, माफ करो, माइनस वन वन एंड थ्री, साइंस लगा के दिखाओ सभी मुझे, पहले माइनस इन्फिनिटी से वन के बीच का एक पॉइंट ले लो, जैसे कि माइनस टू, माइनस टू को एफ डेस एक्स में यहाँ पर डालना, तो मैंने टिक लगाया है, माइनस टू वहाँ डालो, एक्चुअल कैलकुलेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ये चेक करना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, करके मुझे जल्दी से बताओ, सो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो उल्टा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से लगाओ,
अनिरुद्ध माइनस इनफिनिटी से माइनस वन पे क्या आया? तो कैलकुलेट कर रहा हूँ, माइनस टू डाल के देखो कैलकुलेट। हाँ सर, मैंने बोला कि एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करनी है, देखो क्या है ये, सिक्स इंटू माइनस टू डाला, माइनस टू का स्क्वेयर हो गया, या माइनस टू डाला, माइनस टू डालेंगे तो माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन तो वन आएगा ना, वन का स्क्वेयर, माइनस टू यहाँ डालोगे तो माइनस फाइव का स्क्वेयर हो जाएगा, और यहाँ माइनस टू डालोगे तो माइनस थ्री हो जाएगा। देखो तो एक्चुअल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती इसमें, माइनस वन का स्क्वेयर पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये सिक्स है और ये माइनस थ्री है, तो ये कंप्लीट मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, नेगेटिव, समझे भैया? चार टर्म मल्टीप्लाई है, फोर टर्म्स मल्टीप्लाइड है, जिसमें एक टर्म नेगेटिव है बाकी सब पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, माइनस वन और वन के बीच का इजीएस्ट पॉइंट जीरो, जीरो डाल के देखो, माइनस वन और वन के बीच का इजीएस्ट पॉइंट जीरो, जीरो यहां डाल के देखो, जीरो डालोगे तो क्या बनेगा, जीरो डालने से देखो ये दो टर्म वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि इन दोनों के ऊपर स्क्वेयर लगा हुआ है, जस्ट आपको देखनी है ये वाली टर्म, ठीक है, इन दोनों टर्म्स पे होल स्क्वेयर है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, जस्ट आपको ये टर्म देखनी है, तो जीरो यहाँ डालोगे तो ये माइनस वन हो जाएगा, ये भी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, समझ आया? यस सर। अब वन से थ्री के बीच का पॉइंट ले लो, वन से थ्री के बीच में क्या होगा, जैसे कि टू ले लिया तो ये सब तो पॉजिटिव ही रहेगा, जस्ट इसको चेक करना है, टू माइनस वन पॉजिटिव, लास्ट वाले का बताओ आप लोग, सर इंक्रीजिंग ही होगा, हाँ सर इंक्रीजिंग ही होगा, यस पॉजिटिव आया है नेगेटिव, तो पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आना चाहिए, इंटरवल लिख के दिखाओ जरा क्या लिखोगे, इंटरवल लिख के दिखाओ, माइनस इनफिनिटी टू वन विल बी लेस देन जीरो, सो माइनस, क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है, हाँ सर, तो माइनस इनफिनिटी टू वन, माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन, तो वन यूनियन, यूनियन माइनस वन टू वन, सर दोनों एक ही होगा अगर दोनों को एक साथ लिख दोगे, माइनस इनफिनिटी टू वन, माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन, अगर क्योंकि वन के ऊपर इस पॉइंट पे वन को यहाँ डाल के देखो, वन को यहाँ डालोगे तो माइनस वन को यहाँ डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, माइनस वन को यहाँ डालोगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन आया ही जीरो डालने से था, ठीक है, तो माइनस स्ट्रिक्ट जहां पर एफ डेस एक्स जीरो से ग्रेटर हो वहां फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, लेकिन माइनस वन पे तो जीरो है, माइनस वन को तो आप इंक्लूड नहीं कर सकते, तो आपको ऐसे लिखना होगा माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन यूनियन माइनस वन टू वन, एफ डेस एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो, इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इस इंटरवल पे फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सेकंड, सर लिख लिया, एक्स बिलोंगिंग टू वन टू थ्री यूनियन थ्री टू इंफिनिटी,
एफ डैश एक्स क्या है? अच्छा ये मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो लिख दिया, एक्चुअली यहाँ लेस देन जीरो। इस इंटरवल पे क्या एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो एफ एक्स क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। समझे आप? ऐसे कर दें किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ये क्वेश्चन करके दिखाओ। एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन, डन सर। दिखाओ। मिटाइए, इंक्रीजिंग की जगह आपने एरो लगा दिया, ये नहीं चलेगा। और पॉइंट डाला करो, पॉइंट वन एंड टू। कार्तिक जो वहां पे एक्स अच्छा ठीक है और एरोस, हाँ सो मैं वो भी ठीक है। ठीक है ठीक है। और किसी का हुआ? दो एक मिनट कार्तिक, एट क्वेश्चन करो आप तक। मसूर हो गया, दिखाओ बेटे।
ऊपर करो. ठीक है शाबाश, हो गया सर. यस सर. स्टेबल रखो बेटा थोड़ा, एजी एजी आ रहा है. अच्छा सर, बस यहाँ पर रखो बेटे. आपने कैसे लिख दिया ये? आप बीच में क्या कैलकुलेशन कर देते हो? ये सब तो नहीं करना, ऐसे लिखो जैसे सर वो. सॉरी सर, बीच में आप क्या कैलकुलेशन कर देते हो? सर वो वैल्यू डाल के कि x को -3 लिया, 0 लिया, ताकि सर वो पॉइंट पता चल जाए ना, मतलब वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है. उसको साइड में करोगे ना? ठीक. अच्छा ठीक है सर. सर हो गया. आगे पॉइंट क्या लिखा है दिखाना देवेश. यस सर. यहाँ पर भी देखो आपने इंटरवल ज्वाइन नहीं करे हुए. इंटरवल ज्वाइन करो. अच्छा हाँ, वो यूनियन नहीं करा हुआ. सर हो गया. दिखाओ. यस सर. ये क्या किया है आपके फैक्टर नहीं बने? अपने डील बन गया फैक्टर. बन गया सर फैक्टर. स्टेबल करो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा. थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे करो. ये वैल्यू नहीं दिखानी होती यार. एक बात बताओ, नई नई चीजें कहाँ से लेके आ जाते हो? मैंने आपको बोला कि f ऑफ माइनस थ्री दिखाना है. ये टेबल में आपने f ऑफ माइनस थ्री और f ऑफ माइनस टू क्या लिख दिया? पिछला पेज वापिस करो. कुछ दिखाई नहीं दे रहा. ऊपर करो, थोड़ा ऊपर करो. ये आपने क्या लिख दिया? f ऑफ माइनस थ्री, f ऑफ जीरो. एक वैल्यू लिया और उस पे साइन. अरे भाई नहीं, ये नहीं दिखानी होती यार. कैसे समझाएं आपको? जितना समझाते हैं उतना तो फॉलो करना नहीं. फिर कुछ ऐसा लिख देना जो ऑलरेडी गलत है. सर गलत कैसे? ना गलत है इसीलिए तो. बुक खोल के देखो किसी ने लिख ना. तुमने आपको माइनस थ्री लिखा है, पूरी बुक में कहीं लिखा मिलेगा आपको? खोल के एनसीईआरटी देखो जरा. किसने कहा तुम्हें ये वैल्यू लिखनी होती है? सर स्कूल में ऐसे करते थे. स्कूल में मैं गारंटी देता हूँ ये नहीं लिखवाया आपको माइनस थ्री. तुम स्कूल का कोई पेज दिखा दो. टेबल की मैं मान सकता हूँ f ऑफ माइनस थ्री लिखा हो ऐसा कहीं दिखा दो. अच्छा नहीं, वो टेबल में मैंने लिखा ना. तो फिर कहीं भी नहीं लिखा जाता ये. तुम मुझे स्कूल का बता रहे हो. अच्छा तो बट मैंने यहाँ लिखा सर. जैसे बताया जाता है वैसे लिखा करो. जब तुम्हें या तो खुद से पता हो कि ये सही है या गलत है. नहीं पता है तो फिर उतना ही लिखो जितना बताया जाता है. Yes, मुझे तो इसमें कहीं तुम्हारा यूनियन का साइन भी नहीं दिखाई दे रहा नीचे वाले में. सर नीचे में क्यों यूनियन होगा सर? एक ही तो वैल्यू है. पिक्चर ही नहीं आ रही. सर पिछला पेज दिखाओ, पिछला पेज दिखाओ दोबारा. ऊपर करो. टेबल बनानी है तो सिर्फ इतनी टेबल बनानी है जितने मैं बता रहा हूँ उतनी लिखोगे. इंटरवल. यस सर. पहला इंटरवल कहाँ से कहाँ का आया बताओ? पहला इंटरवल था माइनस इनफिनिटी टू माइनस टू. माइनस टू. टू. दूसरा क्या था? सेकंड इंटरवल माइनस टू टू थ्री. थर्ड. थ्री टू इंफिनिटी. इंटरवल वो ये ब्रैकेट एफ डेस एक्स क्या आए थे? ब्रैकेट क्या बने थे एफ डेस एक्स के तुम्हारे?
सर मैंने माइनस थ्री लिया पहले इंटरवल में एंड उसके बाद साइन नेगेटिव आया साइन ऑफ बाद सिंपल ये लिख दो अच्छा ओके मैंने बस लिखा कि उस इंटरवल में कौन सा वैल्यू लिया है वही था वो यार वो नहीं लिखना होता वही नहीं लिखना होता जो तुमने लिखा है हाँ ठीक है सर नहीं दो ब्रैकेट क्या आए थे इसके ब्रैकेट बताओ इसका नेगेटिव आया पहले इंटरवल में वैल्यू नेगेटिव आया अरे एफ डैश एक्स के फैक्टर करे होंगे ना फैक्टर क्या आया एफ डैश एक्स वो बताओ एफ डैश एक्स के फैक्टर मतलब मैंने तुम्हारे तो आया ही नहीं ना मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स के फैक्टर बताओ सर 3n माइनस 2 क्रिटिकल पॉइंट्स थे कार्तिक एफ डैश एक्स के फैक्टर बताओ 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 तुम्हें आवाज नहीं आ रही हाँ सॉरी सर मैं क्वेश्चन बैठा हाँ सर एफ डैश एक्स के फैक्टर बताओ क्या आए थे एक सेकंड क्वेश्चन एक्स इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स इक्वल टू थ्री माइनस टू और दूसरा माइनस थ्री एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस थ्री क्योंकि एक्स प्लस टू जाएगा और एक्स माइनस थ्री नहीं सर 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 आपका जो x माइनस टू है उसमें प्लस होना चाहिए इंटरवल माइनस इनफिनिटी से माइनस टू से थ्री और थ्री टू इनफिनिटी ये तीन इंटरवल आए थे साइन हाँ सर साइन ऑफ एफ डैश एक्स बस सिंपल ये लिखो इसमें और नेचर ऑफ एफ एक्स सर टेबल नहीं बनाओ अब से टेबल नहीं बनाओ माइनस इनफिनिटी से माइनस टू क्या था नेगेटिव नेगेटिव सेकंड वाला भी नेगेटिव है थर्ड वाला पॉजिटिव है यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव नहीं सर थर्ड वाला पॉजिटिव नहीं सर गलत है थर्ड वाला पॉजिटिव कैसे हो सकता है थर्ड वाला पॉजिटिव ही आया मेरा गलत है तुम्हारा सर कैसे गलत कैलकुलेशन करी होगी तुमने कुछ अगर टेबल बनानी तो ऐसे बनाओगे बस टेबल में तीन कॉलम बनाओगे इससे ज्यादा कुछ नहीं कार्तिक एफ डैश एक्स बताओ चलो छोड़ दो नंबर लाइन अगर हम बनाए तो नंबर लाइन ये आई थी माइनस टू थ्री थ्री से बड़ा कोई भी पॉइंट एफ डैश एक्स में डाल के देखो पॉजिटिव आना चाहिए यहाँ पर हाँ सर हो गया आ गया पॉजिटिव हाँ सर कैलकुलेशन ऐसे करना है टेबल नहीं बना रहा नेक्स्ट नहीं टेबल बनाओ फिर तीन कॉलम